हर गोविंद नमानि रो हर गोविंद नमानि रो तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया। सन 1595 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी के घर माता गंगा जी की कोख से अवतार लेने वाले सिखों के छठे गुरु श्री हर गोबिंद साहिब जी का आध्यात्म और इतिहास में एक अलग और अहम स्थान है। मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद जब गुरु हर गोबिंद जी गुरुगद्दी पर आसीन हुए तो उन्होंने कई नई परंपराएं स्थापित की। उन्होंने पगड़ी पर कलगी सजाई, इसके साथ उन्होंने एक साथ दो तलवारें धारण की, मीरी और पीरी। एक तलवार धर्म और दूसरी राजसत्ता का प्रतीक थी। गुरु जी ने वीर योद्धाओं की सेना भी गठित की। त्राही त्राही करते समाज में धर्म की प्रतिष्ठा बचाने का यही एकमात्र विकल्प था, जिसकी स्थापना गुरु हर गोबिंद जी ने की। धर्म प्रचार के साथ साथ गुरु जी ने सिखों में वीरता की भावना भी भरी। उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त साहिब का निर्माण कराया। सिख सेना का उपयोग गुरु जी ने मात्र मुगलों के अत्याचारों या आक्रमण का उत्तर देने के लिए ही किया, न कि किसी क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए। वे शक्ति, संयम और धर्म के सर्वोच्च प्रतीक थे। आज उनके प्रकाश उत्सव पर समस्त IMC परिवार उन्हें शत शत नमन करते हुए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।